हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव जी से। कार्यक्रम है आर्यावर्त आरोग्यम। डॉक्टर राहुल भार्गव बोन मेरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं और इस विभाग के निदेशक भी हैं फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में। डॉक्टर साहब, एक अभी उन्होंने सपना देखा है एक एनीमिया मुक्त भारत का। इसके लिए उन्होंने देश का पहला एनीमिया क्लिनिक का उद्घाटन किया है और हम आज बात करेंगे इसी संबंध में कि महिलाओं में होने वाले इस रोग का क्या कारण है और इसका क्या मतलब निदान है। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बहुत कीर्तिमान स्थापित किया है और हमारी शुभकामना है कि आपने जो एनीमिया क्लिनिक खोला है उसको भी आप बहुत सफल होंगे। सबसे पहले जाना था, आपने जो ये किया है एनीमिया क्लिनिक उद्घाटन किया है, एनीमिया से मुक्त करने का सपना देखा, क्या योजना है आपके पास? देखिए, सबसे पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि देश में 70 साल की आजादी के बाद भी 55% जनता लो हीमोग्लोबिन से ग्रसित है, जिसके कारण से वर्कफोर्स हमारी कमजोर है, जिसकी वजह से बच्चों का जो पोषण है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, बच्चे स्ट्रांग नहीं हो पाते, मंद बुद्धि रह जाते हैं और सबसे बड़ी बात मैटरनल मोर्टैलिटी रेट आज भी हाई है, जिसमें एनीमिया का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हम सब लोग जब हीमेटोलॉजिस्ट बने तो सबको ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की एक इच्छा थी जो हमने पूर्ण करी। अब जरूरत है सोसाइटी के प्रति रुख करने का, जिसके लिए एनीमिया मुक्त भारत का सपना हमने देखा है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मल्टी प्रोंग अप्रोच है, मतलब बहुत सारे दिशाओं से 360 डिग्री तरीके से इस पे काम किया जाएगा। तो अगर हम बच्चों की बात माने, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको एनीमिया टेस्टिंग करके आयरन की गोली देना, पर आप कहेंगे तो सरकार बहुत दिनों से कर रही है, आप क्या अलग कर रहे हैं? अलग ये है कि एनीमिया का कारण जानना। हम आज तक ये सोचते रहे कि सारा का सारा कारण एनीमिया का हमारी डाइट है, हमारी वेजिटेरियन डाइट है, हमारा कुपोषण है, बैलेंस डाइट नहीं है। बट हमारे को ये भी समझना जरूरी है बच्चों में कारण अलग है, जिनका महिलाओं में जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है उनका कारण अलग है, अर्बन मिडिल क्लास में अलग है और एल्डरली एज ग्रुप में अलग है। तो कुपोषण का कारण बच्चों में पाया जा सकता है जो कि लोअर मिडिल क्लास के हैं या लोअर क्लास के हैं, पर अपर मिडिल क्लास के लोगों को क्या ऐसा कारण है कि बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा? खाना है पर वो खाना प्रॉपर नहीं खा रहे। तो लोगों को सबसे पहली चीज है इसके लिए जागरूक करना कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो हम स्कूलों में जब भी जाते हैं तो हीमोग्लोबिन चेक करने के साथ में एक न्यूट्रिशनिस्ट जाती है जो बच्चों को बताती है कि अपने होम ग्रोन तरीके से ही, भले ही पैसा हो या ना पैसा हो, हम कैसे स्वस्थ और बैलेंस डाइट खा सकते हैं। महिलाओं के कॉलेजेस में जब हम जाते हैं, महिलाओं में सबसे बड़ा कारण खाने का नहीं पाया, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का पाया, क्योंकि उनमें एक प्रकार से भय है, एक उनमें हिचकिचाहट है, उनमें शर्म है कि वो किस से अपनी महीना, जो महीना आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसके बारे में बात करें। तो हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट होती है जो इस बारे में उनको ज्ञात करवाती है कि नॉर्मल क्या है और अबनॉर्मल क्या है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि एनीमिया को हल्के में ना लें और एनीमिया के कारण का हम जरूर जानने की कोशिश करें कि एनीमिया क्यों है। एक और चीज, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो शायद मध्यम वर्ग है उसमें 5-7% लोगों को थैलेसीमिया की वजह से हीमोग्लोबिन कम रहता है, उसमें आयरन की जरूरत नहीं है, उसमें जरूरत है थैलेसीमिया की जांच की। क्यों? क्योंकि आज भी इस देश में 10,000-15,000 बच्चे, थैलेसीमिक बच्चे पैदा होते हैं जिनको 20-30 साल तक की उम्र तक ब्लड लगता है और उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम अगर एनीमिया कैंपेन चलाते हैं तो उसे हम थैलेसीमिया के वर्ग को भी हम पकड़ सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम कम्युनिटी तक एनीमिया का के बारे में बताना, एनीमिया क्या होता है और एनीमिया के कारण के लिए लोगों को जागरूक करना, ये हमारा कर्तव्य है इस एनीमिया क्लिनिक के माध्यम से। सर, आपने एनीमिया क्लिनिक के बारे में बताया और तो एनीमिया बहुत लोग पता नहीं, तो आपने कहा खून कमी है, लेकिन एनीमिया है क्या, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा, एनीमिया क्या है? हमें कभी ये नहीं बताया गया कि नॉर्मल क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। क्या आपको कमजोरी लगती है शाम में जाके? क्या आपको गुस्सा आता है? क्या चिड़चिड़ापन होता है? ये सारे एनीमिया के लक्षण हैं। क्या आप में को कार्य में मन नहीं लगता? 20-30% लोगों को एनीमिया का, ये एनीमिया का लक्षण होता है। तो अत्यधिक कमजोरी, चिड़चिड़ापन, शाम को थक जाना, ये एनीमिया के लक्षण है।
आपको यह समझना जरूरी है एनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन का महिलाओं में लेस देन 12 और पुरुषों में लेस देन 13 हीमोग्लोबिन कम होना एनीमिया की डेफिनेशन पर आता है। इंडिया की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। हम बहुत बार लोगों के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं 10 है तो बस है, 10 का दम, पर हमें यह समझना है कि 12 हीमोग्लोबिन महिलाओं में और 13 हीमोग्लोबिन पुरुषों में होना आवश्यक है। इसके अगर आप विपरीत हैं, इससे कम है, तो आप एनीमिया से ग्रसित हैं और डॉक्टर से पूछिए कि मेरा हीमोग्लोबिन 12 तक कैसे पहुंच सकता है। क्योंकि जब हम ये जानेंगे कि अब नॉर्मल क्या है, जब हम जानेंगे कि नॉर्मल क्या है, तभी हम अब नॉर्मल के बारे में जान पाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि हमें उसे ठीक कैसे करना है। सर डॉक्टर, आप एनीमिया आपने बताया, तो ये कितने प्रकार के होते हैं एनीमिया? एनीमिया कुछ 200 प्रकार के होते हैं। एनीमिया सिर्फ लो हीमोग्लोबिन नहीं है, वो एक सिम्टम है, वो एक अंदरूनी आभास है, जिसके लिए जो बीमारी का आभास है, जो अंदर से बता रहा है कि आपको कोई और बीमारी हो सकती है। मध्यम वर्गीय परिवार में जो मिडिल एज ग्रुप है, जो 30 साल से लेकर 60 साल तक का है, और 60 साल से ऊपर वाला वर्ग जो है, उसमें एनीमिया के कारण अलग अलग है। क्या आपको पता है कि कोलन कैंसर, आंतों का कैंसर का फर्स्ट मैनिफेस्टेशन एनीमिया हो सकता है? क्या आपको पता है कि ब्लड कैंसर का फर्स्ट मैनिफेस्टेशन एनीमिया हो सकता है? क्या आपको पता है कि बुजुर्गों में जो 60 साल से ऊपर हैं, उनमें मल्टीपल माइलोमा का फर्स्ट सिम्टम एनीमिया हो सकता है? तो एनीमिया एक डाइवर्सिफाइड बीमारी की जगह एक सिम्टम है, वो सिम्टम है किसी बीमारी का। तो हमारे को बीमारी ढूंढना आवश्यक है कि मुझे कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मुझे एनीमिया हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा खाना नहीं पचता, तो एक सीलिया डिजीज नामक हमने पकड़नी स्टार्ट करी है फोर्टिस में, 5-7% एनीमिया के पेशेंट में सीलिया डिजीज होती है, जिसमें हमारी आंतें खाना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। तो आप देखिए, सिंपल कुपोषण से ब्लड कैंसर तक की जर्नी एनीमिया ट्रैवल करता है, और हमें हमारे को जागरूकता इसीलिए फैलानी है कि हम, ताकि लोगों को जल्द से जल्द पकड़ पाए। तो ये एनीमिया क्लिनिक जागरूकता का काम करती है, ट्रीटमेंट इंटरवेंशन का काम करती है, और उसके बाद ट्रीटमेंट का काम करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एनीमिया का कारण बताया और प्रकार बताया, अच्छा इसका जो होने का क्या कारण है, एनीमिया होता क्यों है? सो जैसे अभी हमने बात किया, एनीमिया होने के का कारण जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। एनीमिया का कारण 200 प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जिसमें कुपोषण मतलब बैलेंस डाइट का ना खाना, आयरन की कमी होना, वाइटामिन बी12 की कमी होना, सीलिएक डिजीज होना, पेट में आंतों में कीड़ों का होना, ये प्रमुख कारण है। बट उसके साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा होना, मतलब बाल्टी में एनीमिया को इस तरह से समझिए, अगर मैं बाल्टी में पानी भरने की कोशिश करता हूं और बाल्टी में पानी नहीं भरता, तो कितने कारण हो सकते हैं, या तो मेरे टैप में पानी नहीं आ रहा या बाल्टी में छेद है। तो उसी प्रकार शरीर है, अगर मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, या तो मैं खा ठीक से नहीं रहा, आंतों से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, या मेरा एक्सेसिव लॉस है। लॉस मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी हो सकता है, आंतों से भी हो सकता है, मुंह से भी हो सकता है, और हीमोरॉइड भी हो सकता है। तो आपने देखा, एनीमिया के सिम्टम से पकड़ के, उस डोर को पकड़ के, उस रस्सी को पकड़ के हम अंत तक बीमारी तक पहुंचते हैं और बीमारी का निवारण करते हैं। इसीलिए एनीमिया के प्रति जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें कैसे पता चले कि ये रोग एनीमिया किसी महिलाओं के या पुरुष को, कैसे इसका लक्षण क्या होता है? तो आज की स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अपने शरीर के प्रति जागरूक होना, अपने शरीर के प्रति इनटॉलरेंट होना। शरीर आपको सिम्टम बताता है, शरीर आपको संकेत देता है। वो कैसे संकेत है? थकान हो जाना, एक्सेसिव इरिटेशन होना, शाम को मांसपेशियों में दर्द होना, एक्सेसिव हेडेक होना, कमजोरी रहना, काम में मन नहीं लगना, बच्चों का खेल कूद में मन नहीं लगना, उनका क्लास में पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट जाना या पीछे रह जाना, बच्चे की पेट में ग्रोथ ना होना, ये सारे लक्षण जो होते हैं ये एनीमिया के होते हैं। अगर इन निम्नलिखित लक्षणों में से आपको कोई भी है, तो अपने डॉक्टर से जरूर जाके एक सिंपल सा टेस्ट, जिसे हम CBC टेस्ट कहते हैं, वो कराना चाहिए। डॉक्टर, इस रोग का खतरा किन्हें ज्यादा होता है? तो अगर हम देखें, हमारे जो स्टडी खुद की कहती है 2000 बच्चों की, उसमें से 55-60% महिलाओं में सबसे ज्यादा एनीमिया पाया जाता है। एनीमिया इसलिए पाया जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मेलिटी सबसे ज्यादा उनमें पाई जाती है। पुरुषों में इसकी मात्रा फिर भी 10-15% ही है।
इसलिए हम ये देखें, ये हम जाने कि महिला एक ऐसा वर्ग है, जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो विमेन एम्पावरमेंट में विमेन का एनीमिया मुक्त होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो एम्पावर्ड हो पाएंगी। एक महिला या पुरुष के लिए हीमोग्लोबिन आरसीबी कितना होना चाहिए? सर, हीमोग्लोबिन महिलाओं में 12 होना चाहिए और पुरुषों में हीमोग्लोबिन 13 होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर इससे कुछ भी नीचे है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें और उनसे पूछें कि मैं उसको नॉर्मल कैसे कर सकता हूं। अब सर, इस बीमारी होने का फास्ट फूड या लाइफ स्टाइल का भी प्रभाव पड़ता है इस बीमारी का? बहुत अच्छा सवाल पूछा। जिस प्रकार से हमने अपनी चीजों को छोड़ दिया है, अपनी अपनी संस्कृति से दूर हटते जा रहे हैं, मतलब लोहे की कढ़ाई से जैसे जैसे हम दूर हटते जा रहे हैं और फास्ट फूड की तरफ अग्रसर है, वैसे वैसे एनीमिया अर्बन मिडिल क्लास में बढ़ता जा रहा है। उसका एक मात्र कारण है क्योंकि बैलेंस डाइट नहीं खाते हम, हरी सब्जी नहीं खाते हम, अनार नहीं खाते हम, गुड़ नहीं खाते, जो इन सब्जियों में खाना चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिससे आयरन बढ़ता है। फास्ट फूड वाले एरा में, माइक्रोवेव वाले एरा में ये सारे न्यूट्रिशन जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारे को सिर्फ स्वाद के लिए हम खाना खा पाते हैं, बट जो रोगों की चीजों से हटाने के लिए, लोगों की रोगों से लड़ने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट आज के इस फास्ट फूड के एरा में नहीं मिल पाते। तो जरूरत है उस लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने की, या फोर्टिफाइड वीट या सॉल्ट की जो आयरन से फोर्टिफाइड हो, तभी हम एनीमिया मुक्त भारत का सपना साकार कर पाएंगे। तो इसके लिए बीमारी ना हो, इसलिए क्या क्या खान पान में क्या क्या ध्यान देना जरूरी है? तो जब हम जिस भी जगह पे कैंप करते हैं, वहां न्यूट्रिशनिस्ट साथ जाती है, तो वो कहती है सिंपल घर के नुस्खे, आपको कोई एग्जॉटिक चीज नहीं चाहिए, आपको कोई महंगी चीज नहीं चाहिए। कुपोषण बैलेंस डाइट पैसे पे निर्भर नहीं है, ये जानना जरूरी है। घर की चीजें, अनार, गुड़, चना, हरी सब्जी जिसको हम लोहे की कढ़ाई में बना के ले, यही अपने को आयरन की मात्रा बहुत दे देता है। राजमा है, चने हैं, बीन्स हैं, इन सबको अगर हम रोज खाते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन आराम से बढ़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा एग्जॉटिक चीजें, महंगी चीजों की जरूरत नहीं है एनीमिया को हटाने के लिए, जरूरत है पहचानने की, जानने की और सोचने। डॉक्टर साहब, इसमें जो कई महिलाएं होती हैं चाहे पुरुष होते हैं, कहते हैं कि आयरन गोली खाने में उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो कभी खाली पेट भी खा लेते हैं लेकिन जानकारी का अभाव में होता है, तो इसके बारे में बताइए। आयरन की गोली बहुत सारे लोग दूध दही के साथ खाते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आयरन, और साइंटिफिक लिटरेचर ये बोलता है, आयरन की गोली से 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी और कैल्शियम की गोली का सेवन ना करें। मैं फिर से बोलूंगा, आयरन की गोली से 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी, कैल्शियम का सेवन ना करें, क्योंकि ये आयरन से कंबाइन करके आयरन को अंदर जाने नहीं देता। तो जरूरत है आयरन की गोली को समझने की, कैसे खाना है, बट 30-40% लोग आयरन की गोली टॉलरेट नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते, किसी को गैस्ट्राइटिस हो जाती है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। तो आप तब उस आयरन की गोली को फूड के साथ खा सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर पाते, फूड के साथ भी टॉलरेट नहीं कर पाते, तब आपको आईवी आयरन, प्लेन सिंपल आईवी आयरन, जो कि बिल्कुल सेफ है आज की तारीख में, दिया जा सकता है, पर उसकी कीमत कुछ 2-3 हजार रुपए आती है और वो आपको 6 महीने तक ठीक रख सकती है। ऐसा मैंने सुना है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं ब्लड की जरूरत होते जा रहे थे, उस दौरान एनीमिया होता है, क्या ये सही है? सो अगर हम इस बात को, ये सिंपल फिजियोलॉजी है, जब गर्भावस्था होती है तो हमारे को कम से कम डेली का 2-3 ग्राम आयरन लेने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम किसी भी तरीके से बढ़ते हुए बच्चे को नहीं दे पाते। हम कितना भी वेज फूड खा लें, हम 5 मिलीग्राम से ज्यादा, 6 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं दे पाते, और चाहिए कितना हमारे को, 7-8-10 मिलीग्राम पर दिन। ऐसी वाली स्थिति में हम हमेशा लैग बिहाइंड करते हैं, जब लैग बिहाइंड करते हैं एनीमिया होता है, उससे 2 दुष्प्रभाव होते हैं, बच्चा प्रॉपर तरीके से, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, दूसरा मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, गर्भ अवस्था में जब हमारा प्रसाव होता है हमारी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका यह है कि हम जो उपाय हमने अभी बताए थे, आयरन की गोली वगैरह लें, या हम ब्लड लेने की बनिस्पत हम आईवी आयरन दे दें। लेटेस्ट स्टडीज ये कहती हैं कि प्रेगनेंसी की अवस्था में अगर हम आईवी आयरन देते हैं, उससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है और मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, मां का
गर्भ के प्रसाद के समय में मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जरूरत है गर्भ अवस्था में विलेजेस में आईवी आयरन एडमिनिस्टर करने की, जिससे बच्चा हमारा अच्छा हो पाए, स्ट्रांग हो पाए और स्ट्रांग सोसाइटी की संरचना कर पाए। डॉक्टर साहब, हमने सब कुछ समझा, अभी के चिकित्सा क्या है? अब हमने सुना है कि इसका लंबा होता है चिकित्सा क्या? सो इसमें आपको समय 3 से 6 महीने दवाइयां लेनी पड़ती हैं, हमेशा नहीं लेनी पड़ती। जरूरत है कारण जानने की। अगर मैं महीना ज्यादा आता है किसी को और दवाई देके मैं महीना को नॉर्मलाइज करता हूं, तो आपको 6 महीने के बाद जिंदगी भर आयरन लेने की गोली की जरूरत नहीं पड़ती। किसी को कोलन कैंसर है, आपने आंतों को काट दिया, वो ठीक हो गया, रसाव बंद हो गया, आप ठीक हो गए। तो जरूरत है कारण की, और कारण के अनुसार ही इलाज की ड्यूरेशन होती है कि कितने कारण, क्या कारण है, उसी की वजह से हमारा ड्यूरेशन कितना चलेगा। पर यह मिथ है कि लंबा इलाज चलता है, इसमें लंबा इलाज नहीं चलता। डॉक्टर साहब, आपने एनीमिया क्लिनिक खोला है, तो लोग ऐसे जो पेशेंट कैसे आपके साथ संपर्क करें कि आपके यहाँ आए उसके बारे में? एनीमिया क्लिनिक हर गुरुवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहेगी। मेरा लोगों से आग्रह है और आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। हमने इसमें फीस भी कम रखी है, जो 60 साल से ऊपर है उनको सिर्फ 400 रुपए फीस देने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी सब लोगों के लिए फीस हमने कम रखी है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी का कारण है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आके अवगत कराना आवश्यक है ताकि वो उस एनीमिया क्लिनिक का फायदा उठा पाए और एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी की संरचना करने में हमारी मदद कर पाए। डॉक्टर साहब, ये आपने एनीमिया के बारे में बताया, ये सबसे ज्यादा महिलाओं में होता है। इसमें सब होता है कि महिलाएं जागरूक नहीं होती अपने स्वास्थ्य के प्रति, यार बच्चों है, परिवार को देखना, तो उन महिलाओं कैसे आप जागरूक करते हैं? सो इम्पॉर्टेंट, आप जैसा चैनल है, आप जैसे लोग हैं, आर्यवर्त टीवी है, जो इतना सोशल कॉज के लिए अच्छा काम कर रहा है, मैं मानूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंटरव्यूज दिखाए जाए रूरल बैकग्राउंड में, हमारे गांवों में, सो दैट लोग अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करें, शरीर के प्रति इंटॉलरेंट हो और शरीर को समझें। क्योंकि हम पहली चीज, भगवान भी ये कहते हैं गीता में कि अपने शरीर को पहचानो, हमारे शरीर में ही हमारा भगवान बसता है और हम इस शरीर को ही सबसे ज्यादा अब्यूज करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप जैसे एनजीओज, आप जैसे टीवी चैनल वाले लोग ही लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि अपने शरीर को पहचाने और डॉक्टर से जल्द संपर्क करें। अपने शरीर को पहचाने और शरीर में ही ईश्वर का वास होता है, कह रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव जी। डॉक्टर भार्गव, आपका हमारे कार्यक्रम आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपकी शुभकामना आपके साथ है और आप काफी उन्नति करें और आपके एनीमिया क्लिनिक बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद। थैंक यू।